गांव की सबसे बड़ी परेशानी है कि यह 10 महीना से बंदर जो है आतंक मचा के रखे हुआ है। कितना बंदर होगा यहाँ? 200 से 225 के आसपास बंदर। किस तरीके के नुकसानी करते हैं वो? यहाँ है जो कि बाली और घर के भी नुकसान है, लोग के बिरवा झाड़ी भी खाता है, उसके बाद में बच्चे लोगों के काटता भी है। कितने बच्चे को काटे होंगे अभी तक? 5-6 बच्चे के काट लिया है। क्या क्या नुकसान होता है वो? नुकसान नहीं होता है, जो आम को फसल आम खत्म कर दिया, देखिए ना बिरवा झाड़ी जो भंटा है वो भी खा गया, केड़ा खा गया, घर पर कूदता है, खपरा फोड़ता है, घर में ढुकता है, भात खाता है, रोटी ले आता है उठाकर। सिर्फ गेहूं नहीं, इससे पहले ही धान था, इससे पहले ही आम था, इसे पिछले साल इसे बर्बाद कर चुका है, इस साल भी आम ही आने वाला है। अभी सीजन क्या होगा हम लोग का हाल? इसके लिए आप समाज में सब लोग क्या किए हैं? हम लोग समाज से पूरा राय विचार करके सभी आदमी यहाँ से प्रशासन के कहे हुए हैं, प्रशासन इस पर नहीं सुने हुआ है। इसके बाद में SDO ऑफिस में हम लोग भी केस किए, बात किए, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ। वन विभाग में गए हुए हैं, वन विभाग के भी बोले हुए हैं, वन विभाग के कहना है कि यहाँ पर एक दिन के लिए आदमी देंगे, वो आज तक नहीं मिला। इस समस्या को इसलिए उठाई क्योंकि मैं भी उसी गांव समाज के रहने वाली महिला हूँ और मुझे पता है कि किसानों को फसल उगाने में कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी दिन रात अपनी मेहनत को उसमें लगाते हैं, करते हैं और वह एक एक पैसे को जुगाड़ करके अपने फसल को उगाने में लगाते हैं। इसलिए मैं वीडियो देखने वाली सारी दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि वह वन विभाग को इस नंबर पर फ़ोन करे, जो नंबर है 98-35-88-80-48। इस नंबर पर फ़ोन करके उनकी समस्या को दूर करने में मेरी मदद करें। मैं गुड्डी, जिला सीतामढ़ी, बिहार, इंडिया, अनहद के लिए।